अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नज़र डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। Are you willing to tell the American people tonight whether or not you will support either ending the filibuster? I'm not going to answer the question. Why because, would you answer that because question? The you question put a is, lot of the new question Supreme is, Court Justice, the radical question, left. Will you? अमेरिका में इलेक्शन 2020 के लिए तैयारियां। डेमोक्रेट्स के जो बाइडेन और रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सदारती मुबाहिसा। दोनों सदारती उम्मीदवारों की एक दूसरे पर कड़ी तनकीद। जो बाइडेन ने ट्रंप को फ्रॉड कहा, ट्रंप ने जो बाइडेन को शट अप कॉल दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन के दरमियान सदारती मुबाहिसे के दौरान हॉल के बाहर ट्रंप के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। भारत के शहर लखनऊ की अदालत ने बाबरी मस्जिद इनाम केस का फैसला सुना दिया। तमाम मुलजिमान को बरी कर दिया गया। पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद गिराने में मुलविस किरदारों की बरियत पर शदीद मजम्मत। तमाम मुलजिमान को बरी करना भारतीय निजाम इंसाफ के मुँह पर तमाचा है। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में ज्यादती का शिकार खातून दम तोड़ गई। खातून की हलाकत पर एहतजाजी मुजाहरे। मुलजिमान को सख्त सजाएं देने का मुतालबा। सऊदी शहरी पालतू कुत्तों के साथ आ सकते हैं। इससे पहले पालतू कुत्तों को अवामी मकामात पर ले जाने पर पाबंदी थी। अमेरिका के बाद अब मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी चांद पर खलाई मिशन भेजने का ऐलान कर दिया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने ऐलान किया है कि इमारात चांद गाड़ी तैयार कर रहा है। ये थी हेडलाइंस, अब खबरें तफसील के साथ। अमेरिका में अगले सदारत इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी हैं। अमेरिका के इलेक्शन 2020 के लिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन तैयारियां कर रही हैं। इलेक्शन से पहले डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार जो बाइडेन और रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुबाहिसा हुआ। अमरीकी नशरियाती इदारों पर नशर होने वाले इस मुबाहिसे में दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर खुलकर तनकीद की। जो बाइडेन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फ्रॉड कहा, वहीं ट्रंप ने जो बाइडेन को शट अप कॉल दी। How are you doing, man? How are you doing? Or packing the court. Whatever position I take on that, that'll become the issue. The issue is the American people should speak. You should go out and vote. You're in voting now. Vote and let your senators know how strongly you feel. Let vote now. Make sure you, in fact, let people know you're a senator. I'm not going to answer the question because the question is the question is the radical left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? This is so right, gentlemen. I think we've ended this. He's going to pack the court. We have not going to give a list. We have ended this segment. We're going to move on to the second segment. That was really a. Keep yapping, man. The people understand, Joe. They sure 47 do. Years you've done nothing. They understand. Oh, okay. All right. The second. अमरीका में अगले सदारती इंतखाबात के लिए गहमा गहमी शुरू हो गई है। अमरीका में इंतखाबात से पहले सियासी उम्मीदवारों के दरमियान मुबाहिसे का इनेकाद किया गया। अमरीका में डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार जो बाइडेन, रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार और अमरीका के मौजूदा सदर ट्रंप के दरमियान मुबाहिसा हुआ। दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर कड़ी तनकीद की, इल्जाम आयद किए। 3 नवंबर के सदारती चुनाव के लिए सदारती उम्मीदवारों के दरमियान टेलीविजन पर मुबाहिसे का इनेकाद किया गया। बाइडेन ने ट्रंप पर और ट्रंप ने जो बाइडेन पर सख्त इल्जाम आयद किए।
दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की। जो बाइडेन ने ट्रंप को शटअप कॉल दी, ट्रंप ने बाइडेन को डांट दिया। जो बाइडेन की अमरीका में कोरोना वायरस अमवात और केसेस में इजाफे पर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। जो बाइडेन की ट्रंप के टैक्सेस अदा ना करने पर भी तनकीद। ट्रंप ने जो बाइडेन की माजी की यादें छेड़कर इन्हें डांट पिला दी। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों के दरमियान ये पहला सदारती मुबाहिसा था। दोनों एक दूसरे पर सख्त तनकीद करते रहे। ट्रंप ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का जज मुंतखब करने का पूरा अख्तियार है। जो बाइडेन ने ट्रंप को नस्ल परस्त करार दिया। जो बाइडेन ने खुलेआम कहा कि हर कोई जानता है कि ट्रंप झूठे और फ्रॉड हैं। ट्रंप ने जो बाइडेन पर तनकीद करते हुए कहा कि जो बाइडेन अमेरिका को शटडाउन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। जो बाइडेन ने सदर ट्रंप को अमेरिका का बदतरीन सदर करार दिया। अगला सदारती मुबाहिसा अगले माह मुनक्किद होगा। Keep yapping, man. The people understand, Joe. They should. 47 years you've done nothing. They understand. All right. The second. अमेरिका में सिया फार्म नस्ली इम्तियाज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। वहीं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो बाइडेन के साथ मुबाहिसे के दौरान भी एहतजाज का सिलसिला ना रुक सका। सदर ट्रंप के मुबाहिसे के दौरान हॉल के बाहर मुजाहरीन की बड़ी तादाद जमा हुई और नस्ली इम्तियाज के खिलाफ ब्लैक लाइव्स मैटर्स एहतजाजी मुजाहरा किया। Today we say enough is enough. अमेरिका में पुलिस के हाथों सिया फार्मों के कत्ल और तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला मुल्क भर में जारी है। जो बाइडेन और ट्रंप के दरमियान सदारती मुबाहिसे के दौरान भी एहतजाजी मुजाहरे ना रुक सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन के दरमियान सदारती मुबाहिसे के दौरान हॉल के बाहर ट्रंप के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरीन की बड़ी तादाद हॉल के बाहर जमा हुई और ब्लैक लाइव्स मैटर और नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करती दिखाई दी। मुजाहरीन ने बैनर्स और ट्रंप के कार्टून उठा रखे थे। भारत के शहर लखनऊ की अदालत ने 28 बरस के बाद बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस का फैसला सुना दिया। बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में मुलविस तमाम के तमाम 28 मुलजमान को अदालत ने बरी कर दिया। इन मुलजिमान में भारतीय जनता पार्टी के फाउंडिंग मेंबर एल के अडवाणी भी शामिल थे। बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस से मुतालिक फैसले पर पाकिस्तान की जानिब से शदीद मजम्मत की गई है। लखनऊ की अदालत ने 1992 में शहीद की गई बाबरी मस्जिद के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए तमाम मुलजिमान को बरी करने का फैसला सुनाया। लखनऊ की खसूसी अदालत के चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद की मसमारी कोई मंसूबा बंदी नहीं थी। अदालत ने कहा कि सीबीआई ऑडियो और वीडियो शवाहिद की सदाकत को साबित न कर सकी। अदालत ने कहा कि नामजद मुलजिमान के खिलाफ कोई सबूत न मिल सके। बताया गया कि इन मुलजिमान में भारतीय जनता पार्टी के फाउंडिंग मेंबर और सीनियर सियासी रहनुमा एल के अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह भी शामिल थे। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फसाद बर्पा करने, इश्तियाल अंगेजी और मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान नफरत फैलाने के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 350 से ज्यादा गवाहों और 600 से ज्यादा दस्तावेजात पेश की गईं। अदालत ने तमाम मुलजिमान को बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया। पाकिस्तान की जानिब से बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में तमाम मुलजिमान की बरियत पर सख्त तनकीद की गई है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से एक मजम्मती बयान जारी किया गया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान भारतीय अदालत के इस फैसले को मुस्तरद करता है। बाबरी मस्जिद गिराने में मुलविस किरदारों की बरियत भारत के निजाम इंसाफ के मुँह पर तमाचा है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आजारी हुई, हिंदू इंतहा पसंदों को भड़का कर फसाद फैलाया। भारत के शहर उत्तर प्रदेश में खातून के साथ ज्यादती का वाकया पेश आया। खातून कई रोज अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई, जिसके बाद भारत के शहर उत्तर प्रदेश में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुलजिमान को सख्त सजाएं देने का मुतालबा किया गया है। Thank you.
भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में खातून से ज्यादती का वाकया पेश आया। इस वाकये के बाद खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। खातून की हलाकत पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुलजिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया है। एहतजाजी मुजाहरीन की बड़ी तादाद जमा हुई और हक़ और इंसाफ का मुतालबा किया गया। पुलिस का कहना है कि वाकये मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। आज पूरे देश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश पूरे देश में आक्रोश है। जितनी मुख्यमंत्री इसमें लापरवाही बरतेंगे उतना ही जो है इसके परिणाम जो है वो भयानक होते जाएंगे। पीड़ित परिवार अकेला नहीं है, हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। पीड़िता जिसे कल परसों हम लोगों ने कल सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में बेहतर इलाज के लिए दाखिल करवाया था, आज सूचना मिली है उनके। सऊदी अरब के लाइफ स्टाइल में कई तब्दीलियां आ रही हैं। सऊदी अरब में कुत्तों के लिए कैफे खोला गया। मालकान अपने कुत्तों के साथ इस कैफे में आ सकते हैं और कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। इससे पहले शहरियों को पालतू कुत्तों के साथ अवामी मकामात जाने पर पाबंदी थी। सऊदी अरब के लाइफस्टाइल में काफी तब्दीलियां आती जा रही हैं। सऊदी अरब में कुत्तों के लिए कैफे खुला है। इस कैफे में मालकान अपने पालतू जानवरों के साथ कुत्तों के साथ आ सकते हैं और कॉफी पी सकते हैं। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में अवामी मकामात पर पालतू कुत्तों को ले जाने पर पाबंदी आई थी, जहां दीगर शोबों में तब्दीलियां की जा रही हैं। वहीं पालतू जानवरों को कैफे ले जाने और उनके साथ कॉफी पीने की भी सऊदी शहरियों को इजाजत मिल गई है। सऊदी अरब के शहर खोबर में बार्किंग लॉट नामी एक कैफे खोला गया है। कैफे हुकाम का कहना है कि पालतू जानवरों के साथ शहरियों को जाने की इजाजत नहीं थी, इसी जरूरत को देखते हुए उन्होंने ये कैफे खोला है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ऐलान किया है कि 2024 तक चांद पर अपना खलाई मिशन भेजेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात चांद पर जाने के लिए चांद गाड़ी तैयार कर रहा है, जो 2024 तक तैयार कर ली जाएगी। अमेरिका के बाद अब मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी चांद पर अपना खलाई मिशन भेजने का ऐलान कर दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सरबरा फरमानरवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने चांद पर खलाई मिशन भेजने का ऐलान किया। उनका कहना है कि इमारात चांद गाड़ी तैयार कर रहा है, 2024 तक तैयार कर ली जाएगी, जो चांद पर उतरेगी। मुत्तहिदा अरब इमारात के चांद मिशन में चांद की नई दरियाफ्तें शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के सरबरा का ये भी कहना है कि इस चांद मिशन से हासिल होने वाले डेटा को आलमी सतह पर रिसर्च सेंटर्स और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स को फराहम किया जाएगा। दुबई के फरमानरवा ने ऐलान किया कि चांद पर भेजने वाली इस गाड़ी को राशिद के नाम से मंसूब किया जाएगा। इनके वालिद शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम के नाम से मंसूब किया गया है। नाजरीन, ये थी अब तक की अहम खबरें। खबरों का मजीद अहवाल और मजीद प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पेज है देसी टीवी यूएसए। कीप वॉचिंग देसी टीवी यूएसए।